नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HP अमित एजुकेशन में। भाषा अध्यापकों से संबंधित काफ़ी अपडेट हमने पहले आपको प्रोवाइड करवाई है, चाहे वो बैच वाइज की भर्ती हो, कमीशन की भर्ती हो, सिलेबस हो, INP रूल्स हो, सभी की अपडेट हमने आपको पहले प्रोवाइड करवाई है। अभी तक जो कमीशन हुआ था पोस्ट कोड 814, उनकी सभी की जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हुई है। किस किस डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइनिंग हुई है उसकी भी आपको जानकारी देंगे, साथ में और कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनकी भी जानकारी जो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले अपडेट हम बैच वाइज भर्ती से देखते हैं। ये अपडेट एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ऊना से आई है। उनकी जो है 3 पोस्टें जो है यहाँ पर वेकेंट है, जिसके लिए उन्होंने 16 मार्च 2022 को जो है काउंसलिंग भी रखी है। कौन कौन सी पोस्टें हैं इसमें? SC BPL में 1 पोस्ट वेकेंट है, ST ओपन में 1 पोस्ट, OBC BPL में जो है 1 पोस्ट वेकेंट है। साथ में जो निर्धारित बैच हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि जो SC BPL है उनका 2008 का बैच है, SC ओपन का 2008 का बैच, और जो OBC BPL है उनका 2010 का बैच है। जिला ऊना के जो भी समस्त रोजगार कार्यालय हैं उन्होंने जो भी पात्र इसमें विद्यार्थी होंगे उनको जो है कॉल लेटर भेज दिए हैं। साथ में अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिनको कॉल लेटर नहीं मिला है वो भी वहाँ पर जा सकता है, और जानकारी के लिए जो आप इनकी वेबसाइट में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट शिमला से आई है। ये अपडेट उन कैंडिडेट के लिए आई है जिन्होंने LT पोस्ट कोड 814 का जो कमीशन है वो क्वालिफाई किया है। इसमें लगभग 31 कैंडिडेट हैं जिनके नाम जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। उनको जो है 21 मार्च 2022 तक यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं वो जो है वहाँ पर उनको चेक करवाने होंगे। उसके बाद जो भी उनकी प्रोसेस होगी ज्वाइनिंग की वो शुरू होगी। तो जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट है आप अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ पर 1 to 15 तक कैंडिडेट शो हो रहे हैं। ये लगभग 31 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं। सभी जो है अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं, पूरा नाम उनका दिया गया है, साथ में जो उनके फादर का नेम है वो भी मेंशन किया है, साथ में जो उनका पूरा एड्रेस है वो भी यहाँ पर दिया गया है। वो सभी जो अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ पर लगभग मैंने जो 31 कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं सभी के नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं। नेक्स्ट अपडेट एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट कुल्लू से आई थी। ये 2 दिन पहले अपडेट आई थी जिसमें 5 कैंडिडेट जो भी सिलेक्टेड हुए थे उनको अपॉइंटमेंट दी गई है। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके नाम दिए गए हैं, साथ में जिस स्कूल में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो भी यहाँ पर मेंशन की है। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, किन्नौर, ऊना, सोलन, चंबा में अपॉइंटमेंट हुई थी उनकी भी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवाई है, और आज जो कुल्लू और शिमला की अपडेट आई है उनकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाएगी, तो जो भी अपडेट आएगी उनको भी पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। आगे हम जो न्यू कमीशन है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहता है कि जो न्यू कमीशन है वो आगे होगा या फिर नहीं होगा, साथ में कुछ सिलेबस में भी बदलाव हुआ है उसकी भी जानकारी आपको हम देंगे। तो जो न्यू कमीशन है, जैसे पहले जो डिपार्टमेंटल की रिपोर्ट आई थी 4000 पोस्टों के लिए, उसमें जो LT की पोस्टें हैं वो मेंशन नहीं थी, बट हर साल एजुकेशन फील्ड में 5 से 6 हज़ार जो टीचर्स हैं वो रिटायर्ड होते हैं। तो मे भी हो सकता है कि आगे जो कमीशन निकलने हैं उसमें कुछ पोस्टें जो हैं LT कमीशन की आपको देखने को मिले। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहें, साथ में सिलेबस में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लैंग्वेज की पोस्टें हैं वो क्लास 3 की पोस्टें हैं, और क्लास 3 में जो है डॉक्यूमेंट अब समाप्त कर दी गई है। तो जो एग्ज़ाम है आपको लगभग 100 मार्क्स का जो है देखने को मिलेगा। अभी हम इसमें टाइमिंग की बात करें तो अभी तक 2 आ रही हैं, बट जैसे ही इसमें कुछ बदलाव होगा उसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो सिलेबस है उसमें आपको जो सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा उसमें 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो GK पार्ट है उसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि जो GK पार्ट है वो भी अब जो इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा। ये इन्फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेशन कमीशन ने जो अभी इन्होंने पोस्ट कोड के एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं 12 मार्च से लेकर, तो उनके लिए जो उन्होंने ये अपडेट दी है। तो जैसे ही कोई जो एग्जैक्ट जो अपडेट है वो पर्टिकुलर कमीशन के लिए आएगी वो भी आपको प्रोवाइड होगी। साथ में कोई आप में से हमारे साथ जो कमीशन की तैयारी के लिए जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है, जिसमें आपको GK पार्ट जो आपको पूरा हैंड रिटन मिल जाएगा, साथ में सब्जेक्टिव पार्ट भी आपको कुछ मिल जाएगा। इसमें जो आपको बिल्कुल मिनिमम चार्जेस हम लेंगे, और जो आपका ग्रुप है वो भी क्रिएट होगा व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें आगे जो भी आपकी हेल्प होगी, टिप्स ट्रिक्स, MCQ और पूरा HPG के जो आपको वीडियो के रूप में वहां पर देखने को मिलेगा। आपको उसमें वन टाइम ही पेमेंट करना पड़ेगी, बाद में जो आपकी कोई भी चार्जेस उसमें नहीं होगी। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट
कर सकता है। धन्यवाद।